आदि पुरुष फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म एक बार फिर विवादों में आ गई है। हिंदू सेना फिल्म पर बैन की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और इस बीच लोगों का उत्साह भी चरम पर है। प्रभास कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस दौरान सिनेमाघरों में अनोखे नजारे दिखे। कहीं थिएटर की सीट पर हनुमान जी की तस्वीर नजर आई तो कहीं रामलीला के कलाकार फिल्म देखने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें भोपाल के, यहां भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान के भेष में कलाकार फिल्म देखने के लिए पहुंचे। इन कलाकारों ने ढोलक और मजीरे के साथ रामधुन का पाठ किया और जयकारे भी लगाए। रायपुर में सिनेमाघर की सीट पर हनुमान जी की तस्वीर रखी गई। अंबिकापुर में भी ऐसा ही नजारा दिखा। रामायण पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों ने भक्ति भाव के साथ देखा। तो एक तरफ फिल्म को लेकर उत्साह है, वहीं फिल्म पर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। हिंदू सेना ने आदि पुरुष फिल्म को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और फिल्म पर बैन की मांग की। फिल्म से हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया और आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की। इससे पहले फिल्म के टीजर पर भी विवाद हुआ था। फिल्म में किरदारों के लुक और पहनावे पर सवाल उठे थे। याचिका में हमने यही कहा है कि जैसे कि आज फिल्म रिलीज हुआ है तो लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिला है। सब लोगों ने, हालांकि लोग यही बोल रहे हैं कि फिल्म एकदम बहुत गंदी फिल्म बनाई है, हमारे रामायण का भद्दा मजाक उड़ाया गया है, उपहास उड़ाया गया है भगवान श्री राम और रामायण का, और जैसे जैसा करेक्टर हमारा है, भगवान को हम भगवान के रूप में मानते हैं, हनुमान जी को कितना पूजते हैं, उसमें उपहास के रूप में दिखाया गया है। इसलिए हमने माननीय हाईकोर्ट में एक रीट फाइल की गई है जिसमें कि अर्जेंट सुनने का एप्लीकेशन भी दिया गया है कि भाई अर्जेंट इसको सुना जाए और फिल्म पर तत्काल बैन लगाया जाए और सर्टिफिकेट उसका रद्द किया जाए। और जब ये फिल्म का, पहले आपने सुना होगा 6 महीने पहले इसका एक रिलीज हुआ था ट्रेलर, उस समय भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उस समय भी हमने सेंसर बोर्ड को भी लिखा था इस फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए। आदि पुरुष बड़े बजट की फिल्म है। बताया जा रहा है करीब 600 करोड़ की लागत से फिल्म बनाई गई है और अब फिल्म रिलीज होने के बाद एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इस बीच फिल्म को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बता दें आपको, फिल्म को लेकर अब विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। जब टीजर लॉन्च हुआ था तब भी विवाद हुआ था, ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब भी विवाद हुआ था, और अब जब फिल्म लॉन्च हुई है, रिलीज हुई है, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि विवाद जो है आदि पुरुष पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोगों ने इतने सारे टिकट किए कि वो टिकट कैंसिल कर दिए उसके बाद, क्योंकि प्रतिक्रियाएं ऐसी आ रही थी। कुछ डायलॉग्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ एनिमेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोगों कहना है, वो कहना है कि छवि बिगाड़ने का काम कहीं ना कहीं किया जा रहा है। हमारे राम अलग थे, हमारे हनुमान जी अलग थे, उनकी छवि अलग है, पर ये इसमें छवि जो है अलग दिखाई गई है। तो आपत्तिजनक इन सभी चीजों को बताया गया है। अब बताएं आपको कि लगातार विवाद तो बढ़ ही रहा है, इस पर सियासत भी हम देख रहे हैं, सियासी पारा भी इसको लेकर के हाई हो रहा है। आपने की जैसा अभी कुछ ही देर पहले सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सुना, उनका भी साफ तौर से कहना था कि अब जब ये मूवी आई है इस पर अगर जरूरत पड़ी तो इस पर बैन भी लगाएंगे। आखिर चुप क्यों है सब लोग, इस पर क्यों नहीं बोलते? इतने सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो इस पिक्चर में किया गया है, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया, बीजेपी की तरफ से अलग प्रतिक्रिया इसमें देखने को मिल रही है। तो विवाद अब गर्माता ही जा रहा है। बता दें आपको, आदि पुरुष रिलीज हुई है 16 जून को इसकी रिलीज डेट थी। जैसे ही रिलीज हुई शुक्रवार को, उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह ये विवादों के घेरे में आ गई। लोगों ने जिस तरह मूवी देखी, उत्साह जो चरम पर लोगों का था मूवी देखने का, अब कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे रिव्यूज मिल रहे हैं लोगों को, ऐसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लोगों के द्वारा कि अब जो है ये
उत्साह जो है ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है काफी सारे लोगों का। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ कुछ लोग अभी भी देखना चाहते हैं पिक्चर, अभी भी मूवी देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं देखने के लिए, पर कुछ लोगों ने तो अभी से प्रतिक्रियाएं जो सुनी, डायलॉग सुन लिए, उसके बाद अपनी मूवी टिकट्स को कैंसिल कर दिया। अब इस पर विवाद की स्थिति भी हम देख रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं, वाद विवाद भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे सियासी पारा कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। हिंदू सेना ने बैन की मांग की है, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप साफ तौर से लगाया गया है। तो आदि पुरुष पर विवाद की स्थिति जो है अब निर्मित हो चुकी है। जैसे ही पिक्चर रिलीज हुई, मूवी रिलीज हुई, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं डायलॉग्स को लेकर कई सारी आपत्ति जताई जा रही है, एनिमेशंस को लेकर के जो है आपत्ति जताई जा रही है, रावण के रोल को लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के प्रतिक्रियाएं जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रही हैं, और उनका साफ तौर से लोगों का कहना है कि हमारे जो आराध्य हैं उन्हें गलत दिखाया गया है, उनकी गलत छवि दिखाई गई है, ये नहीं दिखाना चाहिए था, आपत्तिजनक है, और इसको लेकर के अब विवाद जो है गर्माता जा रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर विवाद क्या है। विवाद फिल्म के डायलॉग्स पर है। फिल्म में ऐसे कई संवाद हैं जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। पौराणिक चरित्रों को बदनाम करने का प्रयास बताया जा रहा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। फिल्म पर बैन की मांग भी की जा रही है। फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला भी निशाने पर हैं। तो आइए जानते हैं फिल्म पर जारी विवाद के बीच क्या कह रहे हैं लोग। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। दुनिया भर में प्रचलित 300 से ज्यादा राम कथाओं में ऐसी कोई राम कथा नहीं होगी जिसमें हनुमान जी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते दिखे हों। रावण के राक्षसों का भी तेरी बुआ का बागीचा है क्या जैसे संवाद बोलने का वर्णन किसी भी रामायण में मिलना मुश्किल है। हद तो तब हो जाती है कि जब राम भक्त विभीषण रावण से कहते हैं कि भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रही हैं, और जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात कहते हैं जली ना अब और जलेगी, बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। ये डायलॉग्स राम कथा पर बनी आदि पुरुष फिल्म के हैं। रामायण पर अब तक 48 फिल्म और 18 टीवी शोज बन चुके हैं, लेकिन ऐसे डायलॉग्स कभी नहीं लिखे गए। आदि पुरुष फिल्म किरदारों के लुक और पहनावे को लेकर टीजर रिलीज होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था, और जब फिल्म सिनेमा घरों में आई तो फिल्म के संवाद और दृश्यों पर और भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए फिल्म पर बैन किए जाने की मांग की है। याचिका में हमने यही कहा है कि जैसे कि आज फिल्म रिलीज हुआ है तो लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिला है। सब लोगों ने, हालांकि लोग यही बोल रहे हैं कि फिल्म एकदम बहुत गंदी फिल्म बनाई है, हमारे रामायण का भद्दा मजाक उड़ाया गया है, उपहास उड़ाया गया है भगवान श्री राम और रामायण का, और जैसे जैसा करेक्टर हमारा है भगवान को हम भगवान के रूप में मानते हैं, हनुमान जी को कितना पूजते हैं, उसमें उपहास के रूप में दिखाया गया है। इसलिए हमने माननीय हाईकोर्ट में एक रीट फाइल की गई है जिसमें कि अर्जेंट सुनने का एप्लीकेशन भी दिया गया है कि भाई अर्जेंट इसको सुना जाए और फिल्म पर तत्काल बैन लगाया जाए और सर्टिफिकेट उसका रद्द किया जाए। और जब ये फिल्म का, पहले आपने सुना होगा 6 महीने पहले इसका एक रिलीज हुआ था ट्रेलर, उस समय भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, उस समय भी हमने सेंसर बोर्ड को भी लिखा था इस फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए। फिल्म पर साधु संतों का भी विरोध सामने आ रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा बताया, पौराणिक चरित्रों को बदनाम करने का प्रयास बताया। उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक और साथ ही सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह मंत्री से फिल्म बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। आदि पुरुष जिस प्रकार से, आदि पुरुष के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ एक एजेंडा तय किया गया है और हिंदू सनातन के पौराणिक चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया गया है आदि पुरुष फिल्म के माध्यम से, जिस प्रकार से उसमें संवादहीनता दिखाया है,
इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पुराने चरित्र जिसपे हिंदुओं की आस्था है, भगवान श्री राम हनुमान जी, तो कहीं ना कहीं पौराणिक चरित्र के साथ जो मजाक किया गया है बहुत ही निंदनीय है। हमें लगता है इसमें जो फिल्म के कार्य करने वाले वो है निर्माता निर्देशक के साथ जो सेंसर बोर्ड भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। इसीलिए हमने आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय संचार मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को हमने यह ट्वीट किया है कि इस पे फिल्म को तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने जिहाद छेड़ी है कि पौराणिक हमारे चरित्र के साथ खिलवाड़ हो, उनको तत्काल सलाखों में डाला जाए और मैं चाहता हूं कि तत्काल इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान जैसे सितारों से सजी करीब 500 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत हैं और डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। फिल्म रिलीज होने के बाद मनोज मुंतशिर शुक्ला निशाने पर हैं। उन्होंने हो सकता है कि आधुनिक जमाने के हिसाब से सरल शब्दों में रामकथा को बताने का प्रयास किया हो, लेकिन कई लोग इसे सस्ती भाषा बता रहे हैं और फिल्म के डायलॉग्स पर सवालों के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूछा कि मनोज मुंतशिर ने ऐसा डायलॉग क्यों लिखा और आखिर सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कैसे कर दी। बीजेपी का ये कहना है कि ये फिल्म उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आदिपुरुष जो फिल्म की बात हो रही है वो बनाई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी देवी देवता का, हमारे सनातन धर्म के भगवान का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने भी अभी स्वयं फिल्म नहीं देखी है, तो निश्चित रूप से फिल्म देखने के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा, लेकिन जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है तो किसी भी देवी देवता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी वर्जन साफ है। सागर में राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के बेटे और एक्टर आकाश सिंह राजपूत ने फिल्म का विरोध किया। आकाश अपने परिवार और क्षेत्र के लोगों के साथ फिल्म देखने के लिए गए थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद इनका मन बदल गया और उन्होंने फिल्म को सनातन धर्म और प्रभु श्रीराम के चरित्र के साथ खिलवाड़ बताया और फिल्म पर बैन लगाए जाने की मांग की। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म के संवाद को लेकर लोगों का विरोध सामने आया, लेकिन देखने के बाद बड़ी निराशा हुई क्योंकि इसमें पिक्चर एकदम थर्ड क्लास है। इस पिक्चर को रामायण का अपमान समझ लीजिए, ये भगवान श्री राम का मजाक बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें कार्टून कैरेक्टर ज़्यादा बताए हैं, रावण को, एक लंका को काली बता दिया है और माँ सीता के वस्त्रों पर भी एक अलग चीज़ करी गई है। बहुत गंदी तरीके से प्रस्तुति करी गई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको तत्काल बंद कर दिया जाए, इस पिक्चर को। फिल्म पर जारी विवाद के बीच काफी दर्शकों को आदि पुरुष पसंद आ रही है। इंदौर के सिनेमा घरों में सभी शोज की 70-80% एडवांस बुकिंग चल रही है। फिल्म देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शकों की फिल्म पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। जी बताएं, कैसी है मूवी? मूवी बहुत अच्छी है, माइथोलॉजी मूवी है, एनिमेशन बहुत अच्छा है। इस मूवी का पहली बार, बहुत टाइम बाद हमें इस फैमिली मूवी देखने को मिलती है। अगर आपको फिल्म की कहानी, संस्कृति पे बनाई ये फिल्म काफी अच्छी है और इसको देखने के लिए सब दर्शक प्रभावित हैं और काफी अच्छा लगा। आप भी अपनी फैमिली के साथ आए? हाँ, यस। आदि पुरुष फिल्म पर विवाद लगातार जारी है। फिल्म में किरदारों के लुक और पहनावे के बाद अब डायलॉग्स पर विवाद खड़ा हो रहा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई है और फिल्म पर बैन की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं और ममता छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपका रुख करूंगी। एक समय था जब रामायण लोग देखते थे तो कर्फ्यू सा हो जाता था, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में इतना ज्यादा क्रेज था, और जब ये क्रेज बढ़ा कि मूवी भी आ रही है तो और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगा। पर अब मूवी देख करके लोग प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह की दे रहे हैं। आखिर किस तरह से देखें इसे, जो बैन की मांग की गई है, आखिर क्यों? देखिए ऋतु, भले ही दर्शक इस फिल्म को पसंद कर रहे हो, उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया हो, लेकिन राजनीतिक दल के लोग जो है
वो इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, और जिस तरीके से जब ये फिल्म रिलीज होनी थी उसको लेकर पहले दर्शकों में या राजनेताओं में भी काफी उत्साह था, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही चुनावी राज्य है और ऐसे में धर्म के सहारे दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी नैया पार लगाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म में पात्र दिखाए गए हैं, जो डायलॉग्स हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर को भी आपत्ति होने लगी, और सीधे तौर पर कांग्रेस जो है वो इसको बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अनुमति दी और राष्ट्र अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं, तो आखिर बीजेपी के लोग उस पर सवाल खड़े क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया साफ तौर पर आई है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि फिल्म उन्होंने देखी नहीं है और ना ही बीजेपी ने ये फिल्म बनाई है। लेकिन भले ही उन्होंने फिल्म ना बनाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के जो किरदार हैं या जो डायलॉग्स हैं उसको लेकर जो है वो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि आम दर्शक जो है ये पहले उम्मीद लगाए बैठा था कि प्रभु राम के चरित्र पर एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी, एक ऐतिहासिक फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा दर्शकों का वर्ग ऐसा भी है जिसको कहीं ना कहीं इस फिल्म से निराशा मिली है। हालांकि लगातार जुड़ी हुई है ममता, आदि पुरुष का बहुत ज्यादा क्रेज था कि मूवी लगेगी तो हम जाएंगे, अब जो है वो ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसकी आपत्ति जताई है इस मूवी पर और कहा है कि जरूरत पड़ी तो इसे बैन भी करेंगे। तो आदि पुरुष मूवी रिलीज हो चुकी है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है विवाद गहराता जा रहा है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आ रही हैं। अब छत्तीसगढ़ में जो है बैन की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कहा है कि जरूरत पड़ी तो इससे बैन भी किया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपत्तिजनक है, ये आपत्ति जताई उन्होंने साफ तौर से इस मूवी पर। वहीं मध्य प्रदेश में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और कांग्रेस ने कई सारी बातें कही हैं और कई सारे आरोप भी लगाए हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही है।